गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्विननान की फाइट शाओ से हो रही थी और शाओ क्विननान के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर रहा था अपनी सॉर्ड से, और तभी क्विननान अपनी एक ही फीस से उसकी सॉर्ड के टुकड़े कर देता है। और ये देख करके शाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और खड़े होकर के अपने दोस्तों के सहारे बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम तो अभी बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेवल पे हो और तुमने मेरी सॉर्ड को कैसे ब्रेक कर लिया जो कि थर्ड लेवल का वेपन था। तभी वहाँ पे फार्मेसी एल्डर आ जाते हैं और बोलते हैं गधे कहीं के तुमने अभी तक सेंस नहीं कर पाया कि पहले क्विननान अब बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेवल को अचीव कर चुका है और क्विननान वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम ही लोग बेवजह पता नहीं क्यों क्विननान से पंगा लेते रहते हो, और यहाँ से अगर तुम मेरे सामने से जल्द नहीं गए तो तुम लोगों को मैं पनिशमेंट के तौर पे क्रिमिनल कोर्ट के पास लेकर के जाऊँगा और तुम लोगों को पनिशमेंट दिलाऊँगा। ब्रदर शाओ को ये बात हजम नहीं होती और वो कहता है कि अगर किसी को भी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो तो पावरफुल बनेगा ही ना, आफ्टरऑल इसे 10 पिल दी जाती है और हमें सिर्फ 3 पिल, ये कहाँ का इंसाफ है। तभी फार्मेसी एल्डर बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे डिसाइड करोगे किसको कितना क्या मिलना चाहिए, मैं और सीनियर एल्डर पेन मिल करके इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, यानी कि तुम लोग हम पर उंगली उठा रहे हो, अगर तुम लोगों को ऑब्जेक्शन था तुम लोग मुझसे आकर के बात करते। और वहीं पे क्विननान की सर्वेंट भी कहती है एल्डर आपने सही कहा, इन लोगों को आप पनिशमेंट ज़रूर दीजिएगा। अभी ब्रदर शाओ देखता है कि एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं इस चीज़ को देख करके, वो वहाँ से भाग जाता है कि कहीं एल्डर उसे क्रिमिनल कोर्ट पर ना ले जा करके पनिशमेंट दे दें और इसकी वजह से उसके सारे रिसोर्सेज को रोक दिया जाएगा। और वो जाते जाते कहता है कि क्विननान मैं कुछ दिन बाद वापस आऊँगा और तुम्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगा। और तभी हम देखते हैं क्विननान की सर्वेंट वो बॉडी रिफाइनिंग की बोतल उठा करके क्विननान को दे देती है, और तभी एल्डर अपने मन में सोचते हैं कि क्विननान वाकई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मगर उसकी किस्मत ही ख़राब है, अगर उसकी किस्मत साथ दे दे तो उसको इतने रिसोर्सेज मिलते हैं पूरी सिटी में सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल बन जाएगा, मगर खैर इसकी किस्मत शायद ख़राब है। मगर जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ इसकी कल्टिवेशन एक दिन में अपग्रेड किया है, मुझे लगता है कुछ होप तो ज़रूर होगी। और तभी क्विननान उस एल्डर को ग्रीट करके कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। तभी एल्डर कहते हैं कि दोबारा अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम मुझे ज़रूर बताना। और रही बात इस पिल की, तुम्हें 5 पिल एक्स्ट्रा दी गई है क्योंकि तुम्हारे फादर ने अपने हिस्से की पिल तुम्हें दे दी है कि तुम कल्टिवेट कर पाओ। और तभी क्विननान उस पिल को ले करके अपने रूम में आ जाता है और सोचता है कि मेरे फादर आखिर मेरे लिए कितना सोचते हैं, मैं ज़रूर एक ना एक दिन पावरफुल बन के दिखाऊंगा और अपने फादर के सामने ये प्रूव कर दूंगा कि मैं नान फैमिली का लीडर बनने के लायक हूं। और तभी क्विननान उस बोतल से एक पिल को अपने हाथ में लेता है और जैसे खाने वाला रहता है उस पिल से सारा स्पिरिचुअल ऑरा ख़त्म हो जाता है। ये देख करके क्विननान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी वो दूसरी पिल को भी निकालता है खाने की कोशिश करता है, मगर उसके साथ भी वही सीन होता है और वो सारी की सारी पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके हाथ में जा करके समा जाती है। और तभी क्विननान सोचता है शायद ये सारी की सारी पावर मेरी गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट कंज्यूम कर रही है, तो क्यों ना मैं अपनी गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट को समन करूं और उसको ही डायरेक्टली सारी पिल दे दूं। और तभी वो अपनी गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट को सारी पिल दे देता है और वो देखता है कि उसकी गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट सीधे अपग्रेड हो रही है जो कि 7th लेवल की गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट हो जाती है। और उसे यहाँ पे पहली बार पता चलता है कि गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट नॉर्मल स्पिरिट से एकदम डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मल स्पिरिट कभी भी अपग्रेड नहीं हो सकती है, वो जैसी हैं वैसी रहेंगी, सिर्फ कल्टीवेटर अपनी पावर को बढ़ा सकता है, मगर मेरी स्पिरिट इन सबसे डिफरेंट है, ये स्पिरिट हेवन और अर्थ के रूल से एकदम अलग है और इसका एक अलग ही पाथ है, यानी कि ये जब जब उस पिल को खाएगी इसके लेवल्स अपग्रेड होंगे और मेरी गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट मेरे साथ साथ और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और जो मेरा सपना है गॉड बनने का वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा इस स्पिरिट के ज़रिए। और तभी हम देखते हैं उसके गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही होती है और उसका स्पिरिचुअल ऑरा पूरे रूम में फैल जाता है। ये दृश्य देख करके क्विननान फूले नहीं समा रहा होता और वो अपने स्पिरिट के चारों ओर घूम रहा होता और उसके चक्कर लगा करके कहता है क्या ये मेरे ही पास है। और यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्विननान के घर के बाहर उसके फादर और उनके साथ उनका जनरल क्विननान का वेट कर रहे होते हैं। और तभी जनरल कहता है क्यों ना हम क्विननान को बुला लें, तभी उसके फादर कहते हैं नहीं क्या पता वो कल्टीवेट कर रहा हो और मैं नहीं चाहता उसकी कल्टिवेशन यहाँ पे मेरी वजह से ख़राब हो। और तभी क्विननान भी अपने रूम से बाहर आ जाता है और अपने सामने अपने फादर को देखता है और पूछता है फादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी उसके फादर कहते हैं मैंने सुना था तुम्हारे कजन्स ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था और मैं दरवाज़ा सही कराने के लिए आया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे से मिल लूँ। तभी क्विननान कहता है आप इतनी छोटी मोटी बातों पर रिएक्ट ना करें, मैं इन सब चीज़ों को अकेले हैंडल कर सकता हूँ, आप ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। तभी क्विननान के फादर नोटिस करते हैं कि उनका बेटा अब सीधे 2nd लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनिंग के
पीक पे पहुंच चुका होता है ये जानकर के वो काफ़ी हैरान होते हैं। और तभी उनके साथ आया हुआ जनरल भी काफ़ी हैरान होता है। और तभी उसके फादर बोलते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा एक दिन में इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। और तभी वो अपने पास से एक थंडर शॉट टेक्निक का स्क्रोल निकाल करके क्विननान को देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये टेक्निक स्पेशली तुम्हारे लिए ढूंढ के निकाली और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगी। और तभी वो एक थंडर शॉट भी उसे देते हैं और कहते हैं कि इस शॉट के ज़रिए तुम और भी अच्छे से कल्टिवेट कर सकते हो और तुम्हारे अंदर थंडर की पावर आ जाएगी अगर तुम इस स्क्रोल को बहुत ही अच्छे से कल्टिवेट कर लोगे। तभी क्विननान कहता है कि फादर मुझे आपसे एक और काम है। तभी क्विननान के फादर कहते हैं बोलो, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम मुझसे कोई भी चीज़ बेहिचक बोल सकते हो। तभी क्विननान कहता है फादर मुझे 100 बॉडी रिफाइनिंग पिल चाहिए होगी। ये सुनकर के क्विननान के फादर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं भले ही इस सेक्ट का लीडर हूँ मगर मैं इसे 100 पिल नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हमारे पास में और भी कई सारे डिसाइबल और कजन्स हैं, वो लोग विद्रो करेंगे। मगर खैर अपने बेटे के सामने वो बोल देते हैं कि ठीक है मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। जनरल वहाँ खड़े होकर के सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे एक दिन में 2 लेवल को अपग्रेड कर सकता है, वो भी 10 पिल से, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ज़रूर क्विननान के पास कोई हिडन टेक्निक होगी, शायद मेरे मास्टर ने ही अपने बेटे को वो हिडन टेक्निक सिखाई होगी। तभी हम देखते हैं क्विननान अपने फादर को थैंक यू बोलता है क्योंकि क्विननान के फादर ने उसे 100 पिल देने का वादा कर दिया होता है। तभी क्विननान के फादर बोलते हैं मुझे कैसे भी करके इसके लिए कुछ तो कुछ ना करना ही होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्विननान अपने रूम में बैठ करके कल्टिवेट करने लगता है और हमें बताता है कि टेम्परिंग स्किल का मतलब क्या होता है। कहता है कि जब हम कल्टिवेट करते हैं तो हमारी पावर स्किन के ज़रिए मसल्स में जाती है, फिर वेंस में जाती है और फिर ऑर्गन्स में जाती है। ऑर्गन्स में जाने के बाद वो ब्लड में मिल जाती है, फिर उसके बाद सीधा हमारी बोन में जा करके समा जाती है। और अगर कोई भी कल्टिवेटर इस मेथड को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है और शांत दिमाग से बैठ करके कल्टिवेट करता है तो वो जल्द से जल्द अपनी कल्टिवेशन को अपग्रेड कर सकता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है क्विननान अपने एक और लेवल को अपग्रेड कर लेता है और वो सीधा बॉडी टेम्परिंग के लेवल 3 पे पहुँच जाता है। और तभी हम देखते हैं क्विननान के पास उसकी सर्वेंट आती है और कहती है मास्टर फाइनली आप कल्टीवेशन करके उठ चुके हैं और मैं आपका काफ़ी देर से वेट कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि आपको मैं डिस्टर्ब करूं। और तभी वो अपने पास से एक मैप निकाल करके कहती है कि ये मैप आपको 4th एल्डर ने दिया है, क्या आप इस मैप को देखना चाहेंगे। तभी क्विननान उस मैप को देखता है और बोलता है कि ये तो मैप हाउ माउंटेन का है और इस माउंटेन के बीच में स्प्रिट एनर्जी पुल है और उस पुल में अगर हम कल्टीवेशन करें तो हमारी कल्टीवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये 4th एल्डर और कोई नहीं चिन्हाओ के फादर होते हैं जो कि फार्मेसी एल्डर थे। और तभी हम देखते हैं क्विननान इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। क्विननान की सर्वेंट ने बोला था कि ये 4th एल्डर ने ये मैप सिर्फ आपको सीक्रेटली आपको दिया है और ये मैप की सेकंड कॉपी किसी के पास नहीं है। और तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता ब्रदर चिननान का जो कि क्विननान का भाई है। और तभी हम देखते हैं कि चिननान के पास भी वही मैप होता है और इसके फादर ने इस मैप को इसे भी दिया होता है और कहा होता है कि ये मैप सिर्फ मैं तुम्हें दे रहा हूँ और इस मैप के बारे में तुम किसी और को मत बताना। और तभी चिन्हाओ अपने फ्रेंड को सबको बुला करके इस मैप के बारे में बताता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द माउंटेन में जाना होगा और वहाँ जा करके स्पिरिचुअल एनर्जी पूल में कल्टिवेट करना होगा और हम वहाँ पर कल्टिवेट करके अपनी लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। और इस बात को सुन करके जूनियर शाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है सीनियर ब्रदर मैं वहाँ पे जा करके जल्द से जल्द कल्टिवेट करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन के वापस आ करके इस क्विननान की हड्डी त्यां तोड़ना चाहता हूँ। और तभी उन लोगों के साथ तो और बंदे होते हैं जो कि बोलते हैं सीनियर ब्रदर हम कब चले वहाँ पे। शाओ बोलता है कि ब्रदर ने अभी अपना 5th लेवल अचीव किया है, हम यहाँ पे कुछ देर रुकते हैं फिर चलेंगे। क्विननान कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे वेट और नहीं करना चाहता हूँ, हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो सारे के सारे खुश हो जाते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी कर लेते हैं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि फार्मेसी एल्डर आखिर अपने बेटे और क्विननान को लड़ाना चाहते हैं या उनका कोई और मकसद है। और इन सारी चीज़ों को तो भाई जब नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो ही हमारा ये सारा डाउट क्लियर होगा। तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और जल्द से जल्द अगर आप नेक्स्ट इसका एपिसोड देखना चाहते हैं और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर लिखिएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।